नमस्कार। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर में आज आपके लिए लाए हैं कि नेपाल भी अपनी एक छोटी सी एयरफोर्स बना सकता है। अगर नेपाल के नेता लोग पहले से इस पे ध्यान दिए होते तो अब तक नेपाल की अपनी एक एयरफोर्स होती, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो हम आपका ध्यान या आपके नेताओं का ध्यान इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल चाहे तो अपनी एक छोटी सी एयरफोर्स बना सकता है। कैलकुलेशन हमने कर लिया, आप केवल रिजल्ट सुनिए। दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नेपाल को एयरफोर्स बना लेनी चाहिए? दोस्तों, क्या होता है, जब कोई सेना आगे बढ़ती है तो उसके रास्तों को तोड़ने के लिए एयरफोर्स काम आती है। भले ही हमारे पास में 50 एयरक्राफ्ट हो चाहे 100 एयरक्राफ्ट हो, तो यानी नेपाल पे कोई सेना अटैक कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो एयरफोर्स कम से कम उस सेना को नष्ट तो कर सकती है, उनके रास्तों को तोड़ सकती है, पुलों को तोड़ सकती है, यानी उस सेना को आगे बढ़ने से रोक सकती है। यानी दूसरी दुश्मन सेना के ऊपर भी यहाँ एक प्रेशर होता है जिस देश के पास में एयरफोर्स होती है। नेपाल के नेताओं ने या पहले के जो लोग थे उन्होंने कभी भी इस दिशा में प्रयास नहीं किया, जो कि बहुत जरूरी था करना। और सोचिए, आपकी एक एयरफोर्स है, आसमान में गिड़गिड़ाते हुए नेपाल के फाइटर प्लेन जा रहे हैं, तो आपको गर्व होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपका स्वाभिमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा कि देखो हमारी भी एयरफोर्स उड़ रही है या चल रही है या हमारे पास भी ऐसे जेट मौजूद हैं। लेकिन आपके पहले के जो नेता थे या कोई भी थे जिन्होंने देश को चलाया, नेपाल को चलाया, उन्होंने आपका स्वाभिमान बढ़ाने वाले कोई काम नहीं किए। दोस्तों, टेंशन मत कीजिए, विनोद पोखरियाल हमेशा आपका स्वाभिमान बढ़ाने की बात करता है। मैंने सबसे पहला आदमी मैं ही हूं दोस्तों जिसने कहा था नेपाली भीख नहीं मांगता है, वो आदमी दोस्तों मैं ही हूं। और लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा भी था और कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनलों पर भी चलाया था। आज आप लोग जो कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले लोग हैं, तो ये विनोद पोखरियाल की वजह से ही कहते हैं। यानी हम ही ने आज से 5 साल पहले सबसे पहले ये चीजें बताई थी। यानी कह सकते हैं आपका स्वाभिमान बढ़ाने में हम आपका सहयोग करते हैं, लेकिन आपके नेताओं ने नहीं किया। तो अब हम कह रहे हैं कि आपको एक एयरफोर्स भी बना लेनी चाहिए, छोटी मोटी, ठीक है, जो कम से कम जरूरत पड़ने पे किसी सेना को रोकने में सफल हो। तो अब बात आती है कि पैसा कहाँ से आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, लगता तो बहुत है, एक एक फाइटर प्लेन 7-7 अरब रुपए के आते हैं। लेकिन आप यदि MiG-29 खरीदते हैं, MiG-29, मैंने टोटल एयरक्राफ्ट देखे, उनके बारे में जाना क्या क्या है क्या नहीं है, कितने में क्या पड़ेगा, तो MiG-29 जो फाइटर प्लेन है इसको नेपाल खरीद सकता है बहुत सस्ते दामों में। दोस्तों, इस संबंध में मैं काफी जानकारी रखता हूं, क्योंकि जब लोग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जानते नहीं थे तो उस समय हम लिखते थे और पेपरों में छपाते थे, हमें एक लेख का 50 रुपये मिलता था, आज से 25, 30, 35 साल पहले, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो 1960 में ही बन गई थी, 56 में 6,000 किलोमीटर रेंज की, तो इस बारे में हमारी अच्छी जानकारी है, ठीक। तो हमने सब कुछ सर्च करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि MiG-29 खरीद लेना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि MiG-29 कितने का आएगा, क्या आएगा? देखिए, सीधी बात है, MiG-29 आएगा, उसके साथ में 10 मिसाइलें आएंगी और तब हो जाएगी एक MiG-29 की कीमत 50 करोड़ रुपए। देखिए, फाइटर प्लेन बहुत महंगे होते हैं, 7 अरब रुपए, 6 अरब, 5 अरब, 2 अरब, 3 अरब, इतने रुपए के होते हैं, ठीक है। लेकिन MiG-29 जो है वो आप 50 करोड़ रुपए में मिसाइल सहित खरीद सकते हैं रसिया से, और MiG-29 बहुत बढ़िया फाइटर प्लेन है। अब आप बोलेंगे कि MiG-29 गिर जाता है, भारत में कई बार गिरता है, तो दोस्तों वो MiG-29 नहीं है, वो MiG-21 है। वो गिर जाता है कई बार क्योंकि वो 60 के दशक के हैं, 60 साल पुराने हैं, 1958 60 के फाइटर प्लेन है वो, और अभी भी उड़ रहे हैं और इतने खतरनाक उड़ रहे हैं कि अमेरिका का F-16 जो कि पाकिस्तान के पास में है उसको मार गिराया था अभी भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई। तो आप खुद सोचे, F-16 जो सबसे ज्यादा फाइट जिसने दुनिया में की है, मतलब एक उन्नत फाइटर प्लेन जिसको कह सकते हैं, एक अमेरिकी उन्नत फाइटर प्लेन को रशिया के एक पुराने मिग ने मार गिरा दिया।
मिग कोई वैसा कमजोर एयरक्राफ्ट नहीं है, बहुत खतरनाक एयरक्राफ्ट है। अब कभी कभी वो उसका दुर्घटना हो जाती है तो वो पुराने भी तो हो गए। उस समय उसकी दुर्घटना कैसे हुई, वो स्पीड में भागना चाहा मिग 29 अभिनंदन कुमार, तो उसके इंजन ने जवाब दे दिया, धम से आग पकड़ ली। फिर भी ये तो आपने देखा कि एक मिग 21 ने, जो कि 60 साल पुराना है, उसने F-16 को मार गिरा दिया। F-16 जो है बहुत अत्याधुनिक फाइटर प्लेन है, पाकिस्तान का है, वो है अमेरिका का, अमेरिका ने पाकिस्तान को दे रखे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब मिग 21 इतना खतरनाक हो सकता है तो ये मिग 29 कितना खतरनाक होगा। यानी ये भी बहुत खतरनाक है और सस्ता भी है। इसी का उन्नत जो वर्जन है वो मिग 35 है, लेकिन मिग 35 और मिग 29 लगभग एक ही है, ठीक है। तो रसिया ने इनको बना रखा है बहुत सारा, हजार की मात्रा में बना रखा है, और वैसे ही रख रखा है, उनका यूज नहीं होता है, ठीक है। यानी टेक्नोलॉजी तो थोड़ा पुरानी है, लेकिन जो फाइटर प्लेन है वो नए हैं। अब कोई हमने गाड़ी खरीद ली, मशीन खरीद ली, उसको रख दिया 10-15 साल के लिए, तो मशीन खराब नहीं ना हो जाएगी? है तो नई ना वो मशीन, भले थोड़ा पुरानी टेक्नोलॉजी मान सकते हैं, लेकिन मशीन तो नई है। तो वही सोच लीजिए आप, मिग 29 जो फाइटर प्लेन है वो वही है। और ये लेजर गाइडेड बम भी ले जा सकते हैं, टीबी गाइडेड बम भी ले जा सकते हैं, रडार को भी चकमा दे देते हैं, और उतनी ही स्पीड है, 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, जितनी स्पीड आज के 5th जनरेशन फाइटर प्लेनों की है। स्पीड में कोई कमी नहीं है। स्पीड तो दोस्तों मिग 25 की थी सबसे ज्यादा दुनिया में, उसे तेज फाइटर प्लेन कोई हुआ ही नहीं मिग 25 से। वो पहले चलता था, अभी वो नहीं चलता है। लेकिन मिग 29 की भी स्पीड अच्छी है, जितने नए नए फाइटर प्लेनों की स्पीड है उतनी ही स्पीड है मिग 29 की भी। 1100 किलो का बम भी ले जाता है, ठीक। यानी कुल मिला जुला के वो वही है जो नए जमाने के फाइटर प्लेन है, उसी तरीके का है। हाँ, थोड़ा कमी जरूर है, क्योंकि आजकल जो फाइटर प्लेन आ रहे हैं वो स्टील तकनीक से आ रहे हैं, ठीक है। यानी पूरे ही छुप जाते हैं, मिग 29 पूरा नहीं छुप पाएगा, लेकिन रडार को चकमा दे देता है। इतनी आसानी से रडार मिग 29 को पकड़ नहीं पाता है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जब F-16 को गिरा सकता है, मार सकता है, उसको पीछे धकेल सकता है मिग 29, तो कमजोर फाइटर प्लेन बिल्कुल नहीं है, एक मजबूत फाइटर प्लेन है मिग 29, ठीक है। तो ये टोटल इस पे मिसाइलें उसाइलें लोड कर दी जाएगी तो ये 50 करोड़ रुपए का बैठेगा एक। तो नेपाल 100 फाइटर प्लेन खरीद सकता है मिग 29। मिग 29 100 फाइटर प्लेन यदि आ जाते हैं तो वो बहुत मजबूत एयरफोर्स हो जाएगी, बहुत तो नहीं लेकिन मजबूत एयरफोर्स हम उसको मानेंगे। यानी किसी भी दुश्मन देश की सेना पर प्रेशर डाल सकते हैं 100 मिग 29, और इसके लिए आपका केवल 50 अरब रुपए लगेगा। यानी 40 खरब की GDP है आपकी, ठीक है, उसमें 50 अरब खर्चा हो भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कम से कम एयरफोर्स तो बन जाएगी एक। लेकिन नेपाल के जो पहले के लोग रहे हैं, नेता हैं या अब के हैं, उनका ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं जाता है कि हमें भी एक एयरफोर्स रखनी चाहिए, कम से कम स्वाभिमान की बात तो है इसमें। और नेपाल में जितने ऊंचे पहाड़ हैं उन पे ले जाके इनकी पट्टियां बना दोगे और 100 फाइटर प्लेन ऊपर चोटियों में रख दोगे तो चाइना भी प्रेशर में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि चाइना उन ऊंची चोटियों में फुल लोड करके बम नहीं ला सकता है अपने फाइटर प्लेन से। यानी चाइना के लिए भी बहुत मुश्किल है कि जो तिब्बत के पठार को पार करते हुए, हिमालय को पार करते हुए नेपाल में घुस जाए। अगर वो लाता भी अपना एक फाइटर प्लेन तो उसमें थोड़ा छोटा मोटा बम लेके आएगा, क्योंकि वहां लोड ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है पूरी, ठीक है। इसलिए वहां फाइटर प्लेन अपनी पूरी लोड जितनी क्षमता होती है उस क्षमता से नहीं उड़ पाता है, और चाइना को भी कई 1000 किलोमीटर दूर से फाइटर प्लेन लाने पड़ते हैं, नेपाल को नहीं लाने पड़ेंगे क्योंकि उसका घर ही वही है। भारत के बॉर्डर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन खैर अभी भारत के साथ ऐसी नौबत नहीं आई है, ना तो चाइना के साथ भी आई है, ऐसी कहीं नौबत कोई नहीं आई है कि तुरंत लड़ना पड़े। लेकिन दोस्तों सुरक्षा सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, अपनी सुरक्षा नीतियों का पालन करना चाहिए, जो कि नेपाल बिल्कुल नहीं करता है। आपके यहाँ सुरक्षा पर डिफेंस बजट आपका 500 मिलियन है, जो कि बहुत ही कम है दोस्तों, इसको कम से कम 2 बिलियन 1.5 बिलियन जरूर होना चाहिए। इसी के लिए आपको, अगर आप 1.5 बिलियन रक्षा बजट करते हैं तो आपको, हमने कल भी बताया था, एक अच्छी खासी आर्मी जमा हो जाएगी, और
और फाइटर प्लेन भी आ जाएंगे। इससे होगा क्या कि आपको गर्व होगा और दुनिया के कुछ देशों के ऊपर थोड़ा मोड़ा प्रेशर जरूर पड़ेगा। भाई दीवार लगा दी, घर के आगे दीवार नहीं है तो कोई भी जानवर घर घुस सकता है, दीवार लगा दी तो इतनी आसानी से जानवर नहीं घुसेगा, तो वो फाइटर प्लेन वही दीवार का काम करेंगे। तो हमने क्या बताया कि 100 MiG-29 फाइटर प्लेन खरीदने के लिए आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, 50 अरब रुपए में मिसाइल सहित उसके अंदर 10-10 प्रत्येक फाइटर प्लेन के साथ 10 मिसाइलें भी आएंगी, ठीक है, प्रत्येक फाइटर प्लेन के साथ 10-10 मिसाइलें। तो ऐसे करके आप 1000 मिसाइल हो जाएगी आपके पास फाइटर प्लेनों में, और 1000 मिसाइल दोस्तों बहुत होती है, ठीक है। तो आप एक सेना एयरफोर्स बना सकते हैं, उस पर आपका ज्यादा खर्चा नहीं लगने वाला, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।